जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, सत्य और अहिंसा के मार्ग के पथ प्रदर्शक, आत्मकल्याण के द्वारा जीवन के कल्याण की राह दिखाने वाले, दुनिया को जियो और जीने दो की राह पर चलने की शिक्षा देने वाले भगवंत प्रभु श्री महावीर स्वामी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन या यूं कहिए उनके जन्म कल्याण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। सत्य की खोज और एक साधारण मानव के कल्याण के रहस्यों को जानने के लिए राजसी ठाठ बाट और ग्रस्त जीवन का त्याग करके धधकती हुई ज्वालाओं के अंदर, कष्टों के अंदर अपने आप को झोंक करके एक साधारण वर्धमान से भगवान बनने के सफर तक का नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ऐसे ही नहीं कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने जीवन को तप और तपस्या के द्वारा पूरा तपा करके और अपने आप को उसमें तैयार किया। कहते हैं कि उनकी जो 12 वर्ष की घोर तपस्या थी, उसके अंतर्गत वो इतने ध्यानमग्न हो गए थे कि उनके कानों के अंदर लोहे की कील ठोकी गई, लेकिन उसके ऊपर भी प्रभु ने कोई क्रोध या गुस्सा नहीं किया। एक और घटना है। एक बार महावीर स्वामी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कुछ बच्चे वहाँ पर पहुँचे। पेड़ के ऊपर आम लगे हुए थे। बच्चे आम गिराने के लिए उनका निशाना लगाने लगे। उसमें से एक पत्थर उनका निशाना चूक गया और जाकर के महावीर स्वामी को लग गया। महावीर स्वामी की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को उसका पश्चाताप हुआ और वो महावीर स्वामी के सामने आकर के बोले, प्रभु हमें माफ़ करना, हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने कहा, आपको कष्ट हुआ होगा, आपको चोट लगी है, आपको पत्थर लगा है। प्रभु ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। बच्चों ने फिर कहा, फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? भगवान कहते हैं कि आपने आम के पेड़ को पत्थर मारे, उसने तो तुम्हें मीठे मीठे रस वाले आम दिए। तुमने मुझे पत्थर मारा, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पा रहा हूं। ऐसे थे महावीर स्वामी, जिन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली गणतंत्र के अंदर कुंडल नगर गांव में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। ये इनके माता पिता की तीसरी संतान थी। इनका नाम वर्धमान रखा गया। इनके भीतर निर्भीकता, निडरता, आत्मचिंतन, दयालुता जैसे गुण बचपन से ही विद्यमान थे। इनका बचपन बड़े राजसी ठाठ बाट के साथ में सुख में व्यतीत हुआ। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। माता पिता के देहांत के बाद अब सांसारिक चीज़ों से उनका मोह भंग हो गया। अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के और ये सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। 30 वर्ष की आयु में आपने ग्रह और राजसी ठाठ बाट का त्याग कर दिया। 12 वर्ष 5 माह और 15 दिन तक इन्होंने कठोर तपस्या की। इस दरमियान इनको बहुत सारी पीड़ाएं, कष्ट, यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन इन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की और 13वें वर्ष के अंदर महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहलाए और 72 वर्ष की आयु के अंदर पावापुरी में आपने मोक्ष को प्राप्त किया।